हेलो फ्रेंड, मैं स्वतंत्र सिंह चौहान, आप लोग का फिजिकल टीचर। आज 11th का नया टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक नया कॉपी और पेन के साथ 11th का आगाज करते हैं। और आगाज का फर्स्ट चैप्टर होगा आप लोग का मोल कॉन्सेप्ट, एक प्यारा सा टॉपिक। और मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहली बात, ये सबसे आसान टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक है पूरी केमिस्ट्री की, सबसे आसान टॉपिक और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। यदि आपको केमिस्ट्री से डर लगता है तो अब डरने की बात नहीं है, आप मेरा साथ दो, मैं आपका केमिस्ट्री अच्छा कर दूंगा। तो यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट, तो जब आप 11th के फर्स्ट बुक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री देखेगा तो उसमें इनिशियली कुछ टॉपिक दिए हुए हैं लाइक मैटर, जो हम लोग 9th 8th 9th में पढ़ रखा है। बट उसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर बनाकर आपको डालूंगा जिससे आपका बेसिक केमिस्ट्री अच्छा हो जाए, ठीक है। बट इस चैप्टर, इस लेक्चर के अंदर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। और मोल कॉन्सेप्ट आपने 9th में भी पढ़ रखा है और एसएससी वाले स्टूडेंट 10th में पढ़ रखा है। तो सबसे पहली बात हम लोग करें, मोल होता क्या है? तो सर, सिंपली मोल इज अ काउंटिंग यूनिट। मोल क्या है? एक काउंटिंग यूनिट। दोस्त मेरे, हमने 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट पढ़े हैं। लाइक यदि मैं बोलूं यहां पे जो एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, क्या बोलोगे? मीटर। बोलो, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। उसी तरह से एसआई यूनिट ऑफ मास, क्या बोलोगे? केजी। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, क्या बोलोगे? एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ एलिमेंट्री स्पीसीज, क्या बोलोगे भाई? मोल। इसका नाम हम लोग अभी नहीं, 9th में भी सुन रखा है मोल, बट वहां पर सिंपली हम लोग मोल से छोटा छोटा कैलकुलेशन किया करते थे। बट अब मोल को डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। तो मेरे भाई, कोई आपसे पूछा मोल क्या है, तो सर मोल कुछ नहीं है, मोल सिंपली एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ एलिमेंट्री स्पीसीज है। तो देख दोस्त, जैसे हम लोग लेंथ की एसआई यूनिट को सेंटीमीटर, मिलीमीटर, हर चीज में कन्वर्ट करते हैं, उसी तरह से मोल का भी कन्वर्जन हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अब मैंने बोला मोल काउंटिंग यूनिट है, कैसे मोल काउंटिंग यूनिट है भाई, ये बताओ सर, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो मेरे भाई एक बात बता, यदि मैं बोलता हूं 1 डजन इक्वल टू क्या होगा? तो सिंपली आप बोलिएगा 12 यूनिट। यदि मैं बोलूं 1 डजन ऑफ बनाना, तो आप क्या करोगे? 12 बनाना लाओगे। यदि मैं बोलू 1 स्कोर, क्या बोलोगे? 20 यूनिट, ठीक है। यदि मैं बोलूं 1 ग्रॉस, क्या बोलोगे? 144 यूनिट, ठीक है दोस्त। अब दोस्त एक बात बताओ मुझे यहां पे, यदि मैं बोलूं 1 मोल, 1 मोल इक्वल टू कितना? 6.022 × 10^23। और यदि मैं बोलूं 1 पेयर, कितना होगा? 2 यूनिट। तो यहां एक छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको मोल कॉन्सेप्ट समझने में, मोल के बारे में समझने में आसानी होगा, ठीक है। यदि यहां पे 24 यूनिट ऑफ बनाना है और आपसे पूछ दिया डजन, क्या करोगे? 24/12 इक्वल टू 2 डजन। सिंपली यदि यहां पर बोल दे मास ऑफ
वन बनाना इक्वल टू 100 ग्राम मास ऑफ 24 बनाना। क्या करोगे? यदि आपसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि आपसे पूछा 24 यूनिट बनाना है, उसमें कितने डजन है, आपने क्या किया, नंबर ऑफ बनाना बाय नंबर ऑफ यूनिट इन वन डजन, तो 24 बाय 12 किया तो 2 डजन आए। आपको बोल दिया मास ऑफ वन बनाना इक्वल टू 100 ग्राम और आपसे पूछ दिया मास ऑफ 24 बनाना, तो क्या करोगे, क्या करोगे, तो इसमें आप सिंपली करोगे मास ऑफ 24 बनाना 24 इंटू 100 इक्वल टू 2400 ग्राम यानी 2 kg 400 ग्राम। तो इसी तरह से मोल का भी क्वेश्चन हम लोग चाहे तो यूनिटरी मेथड पे सिंपली बना सकते हैं, बहुत सिंपल बहुत इजी मेथड से हम लोग मोल कंसेप्ट का भी क्वेश्चन आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक नोट करो, फिर इसमें एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, फिर मोल पर आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट कीजिए, दोस्तों सबसे पहले बात, इस चैप्टर या केमिस्ट्री से डरना नहीं है, हम लोग पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं, अभी तक सर हम लोग सिर्फ यही सीखे हैं कि वन मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10^23 यूनिट होता। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट इन टू मोल। तो यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर, हम लोग ने इस टाइप का क्वेश्चन सर यूनिटरी मेथड से बना सकते हैं। जब एक मोल 6.022 इंटू 10^23 है तो 2 मोल इक्वल टू क्या होगा, तो कुछ नहीं सर, सिंपली 2 इंटू 6.022 इंटू 10^23। कितना आसान है, यदि आपसे नंबर ऑफ यूनिट पूछाते हैं आपने क्या किया, हमने किया सर मोल इंटू 6.022 इंटू 10^23। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा फिर से क्वेश्चन है, अ सैंपल पल ऑफ 18.066 इंटू 10^24 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो आपसे मोल पूछ दिया, क्या करोगे, फिर से यूनिटरी मेथड, क्या एक मोल में 6.022 इंटू 10^23 होगा तो इतनी यूनिट में कितना मोल होगा, तो कुछ नहीं करना है, करना है सर 6.022 इंटू 10^23 यूनिट इक्वल टू वन मोल, देन वन यूनिट इक्वल टू हाउ मच, 1/6.022 इंटू 10^23, देन 18.066 इंटू 10^23 यूनिट इक्वल टू 1/6.022 इंटू 10^23 इंटू 18.066 इंटू 10^23 सॉरी 24, इट विल बिकम 30 मोल। कितना आसान है, मोल कॉन्सेप्ट सबसे आसान चैप्टर है, मैं बोल रहा हूं सबसे आसान चैप्टर है, सिर्फ आप पूरा पूरा लेक्चर देखा करें। अब देख दोस्त, ये तो समझ में आया, क्या समझ में आया सर, एक ही बात समझ में आया, वन मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10^23 यूनिट होता है। चलो ठीक, अब बात कर लेते हैं, पता ही है हम लोग को जो ये कोई साइंटिस्ट खोज किया होगा और जो एक मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10^23 यूनिट का खोज किया, उस साइंटिस्ट का नाम था अवोगैड्रो। तो पता ही है जो इंसान सेल्फिश होते हैं और कुछ भी खोज करे अपना नाम चिपका डालते हैं,
तो इन्होंने भी 1 मोल इक्वल टू 6.022 इनटू 10 पावर 23 बोला और इसका नाम दे दिया किस पे, अपने नाम पे रख लिया। क्यों? क्योंकि सेल्फिश है, वो चाहते थे मरे तब पर भी अमर हो जाए, तो इसका नाम हो जाता है एवोगाड्रो, एवोगाड्रोज नंबर, सॉरी एवोगाड्रोज नंबर, ठीक है। और इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एन ए से डिनोट करते हैं। आई बात समझ में, किसी को तकलीफ है? चलिए, हम लोग क्या सीखे अभी तक? सर कुछ नहीं अभी आप सिखाए हैं, सिर्फ इतना ही सिखाए हैं कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 इनटू 10 पावर 23 होता है और इसका खोज एवोगाड्रो ने किया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एवोगाड्रो नंबर पड़ गया। ठीक है, हटा दूं, नोट कर लीजिए, फिर हटाता हूं। देखो दोस्तों, हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में अभी कुछ नहीं सीखे हैं, बट एक नया टर्म हम आपको बोले थे बार बार अभी यूज करेंगे, एलिमेंट्री स्पीसीज। एलिमेंट्री स्पीसीज क्या होता है? एलिमेंट से रिलेटेड जितने भी टर्म एंड टर्मोलॉजी हैं, सभी को हम लोग एलिमेंट्री स्पीसीज कहते हैं। इसके अंदर जितने भी स्पीसीज आते हैं सभी को हम लोग एलिमेंट्री, जैसे एलिमेंट से ही आया है एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी के सभी एलिमेंट्री स्पीसीज कहलाते हैं। ठीक है, कभी भी एलिमेंट्री स्पीसीज टर्न आए तो एलिमेंट्री स्पीसीज में एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स होता है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, और भी जितने भी एलिमेंट से रिलेटेड टर्म हैं सभी को हम लोग एलिमेंट्री स्पीसीज कहते हैं। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्त मेरे, हम लोग यही सीखे हैं, 1 मोल कुछ भी हो 6.022 इनटू 10 पावर 23 होगा तो होगा। तो यार यहां पर यदि हम बात करें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम तो कितने एटम होंगे, 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम होंगे। ठीक है, यदि हम बात करें 1 मोल ऑफ H2, अब ये मॉलिक्यूल्स हो गया, तो H2 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू कितने मॉलिक्यूल्स, 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। यदि हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर ले तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन, 6.022 इनटू 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन होगा। यदि हम लोग 1 मोल ऑफ कोई भी आयन की बात करें तो कितने होंगे, 6.022 इनटू 10 पावर 23 आयन होंगे। ठीक है, किसी को तकलीफ है यहां तक? तो दोस्त एक बात हम लोग को समझ में आना चाहिए, 1 मोल कुछ भी बोलो मतलब 6.022 इंटू 10 पावर 23 ही होगा यूनिट वाइज। इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए अब मोल को डिफाइन करते हैं। मोल को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट मे बी डिफाइंड एज, इट मे बी डिफाइंड एज amount of substance which contain number of elementary species एलिमेंट्री स्पीसीज किसे कहते हैं, एटम, आयन, इटीसी। एलिमेंट्री स्पीसीज इज एग्जैक्टली इक्वल टू
नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स कंटेन इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। मतलब इसका डिफिनेशन क्या होता है? इसका डिफिनेशन सिंपली होता है जो 12 ग्राम कार्बन में जितना एटम है, 12 ग्राम कार्बन में जितना एटम है उतना ही दूसरा कुछ भी, कोई भी एलिमेंट्री स्पीसीज ले लिया जाए तो वो 1 मोल के बराबर कहलाएगा। एक बार फिर से बता देता हूं क्या कहता है, जो 12 ग्राम कार्बन में जितना एटम है उतना ही कोई दूसरा एलिमेंट्री स्पीसीज ले लिया जाए तो वो 1 मोल के बराबर कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात अब हम लोग को देखना है जो 12 ग्राम कार्बन में कितना एटम है। तो मैं इसे रफ कर दूं थोड़ा सा, तो हम लोग को क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो यार 12 ग्राम बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो यार मुझे पता है 12 ग्राम और मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना होता है, 1.99264 × 10^-24 ग्राम। तो जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो 6.022 × 10^23। मतलब इतना कुछ भी ले लो, तभी मैं यही बात बता रहा हूँ, 6.022 × 10^23 कुछ भी लो वो 1 मोल के बराबर का लाएगा। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग डेफिनेशन आपको बता रहे हैं। तो क्या समझे, 12 ग्राम कार्बन एटम में, 12 ग्राम कार्बन में जितना एटम है उतना ही कोई और चीज ले लिया जाए तो वो भी 1 मोल के बराबर कहलाएगा। मतलब दोस्त यहां पर साफ क्लियर है, जो 6.022 × 10^23 कुछ भी ले लो वो 1 मोल के बराबर कहलाएगा। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्त, हम लोग जानते हैं जो 1 मोल ऑफ एलिमेंट्री स्पीसीज इक्वल टू 6.022 × 10^23 एलिमेंट्री स्पीसीज, और इसका मास क्या होगा, मास ऑफ 6.022 × 10^23 एलिमेंट्री स्पीसीज। तो ये किसके बराबर है, मास ऑफ 1 मोल के बराबर है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट्री स्पीसीज, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। यानी कि यदि हम बोले 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो हम लोग देख चुके हैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम बोलो तो कितना एटम, 6.022 × 10^23 एटम। ठीक है, और इसे हम लोग बोल सकते हैं मास कितना, 12 ग्राम। ठीक है, उसी तरह से यदि हम बोले 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, यार क्या होगा, 6.022 × 10^23 एटम या फिर 16 ग्राम मास की टर्म्स। किसी को डाउट है? देख दोस्त, अब यहां से हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। कैसे फॉर्मूला डिराइव करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को यहां पर यूनिटरी मेथड के हेल्प से, कोई टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, सिर्फ हम लोग को 6-7 का यूनिटरी मेथड आना चाहिए। तो हम लोग को पता है 1 मोल ऑफ एलिमेंट्री स्पीसीज इक्वल टू कितना, 6.022 × 10^23। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू 5 रुपी, देन कॉस्ट ऑफ 5 पेन, तो क्या करोगे, 5 × 5। तो उसी तरह से n मोल
ऑफ एलिमेंट्री स्पीसीज क्या होगा, n इंटू 6.022 इंटू 10^23। किसी को डाउट है? तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्पीसीज का फॉर्मूला आ गया मोल इंटू 6.022 इंटू 10^23। तो दोस्त एक बात बताओ, क्वेश्चन में यदि मोल दिया रहे और नंबर पूछे तो क्या करोगे, मोल इंटू 6.022 इंटू 10^23। अब आपसे मोल पूछ दे और नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्पीसीज गिवन हो तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 6.022 इंटू 10^23। ठीक है, ये दो फॉर्मूला आया। फॉर्मूला याद नहीं करना है, ये सिंपली हम लोग यूनिटरी मेथड पे बनाते चले जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन यूनिटरी मेथड या फॉर्मूला पे चाहो तो फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, अब देखो दोस्त, नोट करो यहां तक, फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग को एक और कॉन्सेप्ट पता है, जो मास ऑफ वन मोल ऑफ एलिमेंट्री स्पीसीज इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास होता है। ठीक है, तो बताओ मास ऑफ एन मोल ऑफ एलिमेंट्री स्पीसीज इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू मोलर मास। ठीक है दोस्त, किसी को भी तकलीफ है? अब यहां से नया फॉर्मूला आता है, यदि आपसे मास पूछ ले और मोल दिया रहे तो क्या करोगे, मास इक्वल टू गिवन मोल इंटू मोलर मास। उसी तरह से यदि आपको मोल पूछ दे और मास दिया रहे तो क्या करोगे, मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, किसी को तकलीफ है? फिर से दो फॉर्मूला मेरा यहाँ पे आया, एकदम आसान आसान फॉर्मूला है, इसमें तो टफ की कोई बात ही नहीं है। नहीं, एक चीज बता, मास ऑफ 6.022 इंटू 10^23 एलिमेंट्री स्पीसीज को हमने क्या बोला, मोलर मास बोला बोला। और तब बताओ सर, मास ऑफ वन एलिमेंट्री स्पीसीज क्या होगा, मोलर मास बाय 6.022 इंटू 10^23। एक और फॉर्मूला है, मास ऑफ वन एलिमेंट्री स्पीसीज इक्वल टू क्या होगा, मोलर मास बाय 6.022 इंटू 10^23। किसी को तकलीफ है यहां तक? आगे बढ़े, नोट कीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्त, ये तो मोल कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट पे बात की हम लोग, कहां से क्या आया, बट अब एक ट्रिक बताते हैं हम आपको। आपने क्रॉसिंग देखा है, आपने बाइक या साइकिल चलाने बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, और बाइक में रेसिंग बाइक जो होती है बहुत अच्छे से चलाने जानते हैं, बहुत शौक होगा, लहरिया मारने की शौक होगी, तो यहीं पर वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग को यूटिलाइज करना है। एक बात बताओ, जब कभी भी आप चौराहे के नजदीक आते हो यानी क्रॉसिंग के नजदीक आते हो तो क्या करते हो, बाइक स्लो करते हो, और क्रॉसिंग से दूर जाते हो तो क्या करते हो, बाइक तेज करते हो। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल करना है। हम लोग मोल को यहाँ पे दो टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी तक जो सीखा है, एक नंबर के टर्म्स में और एक मास के टर्म्स में। ठीक है, और ये मोल जो है एज अ क्रॉसिंग है, ये दो डेस्टिनेशन है हम लोग का, और ये मोल क्रॉसिंग है। ठीक है, यदि कभी भी मोल से दूर जाते हो यानी कि क्रॉसिंग से दूर जाते हो तो क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि क्वेश्चन में मोल दिया रहे और कुछ भी पूछे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। इतना याद रखना नहीं है, समझना है, जो कभी भी हम लोग क्रॉसिंग से दूर जाते हैं तो बाइक एक्सलरेट करते हो, बाइक एक्सलरेट का मतलब मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब देखो और बताओ, जब आप क्रॉसिंग के तरफ आते हो तो क्या करते हो, स्लो डाउन करते हो, ब्रेक करते हो, ब्रेक मींस डिवाइड करते हो। ठीक है दोस्त, तो नंबर के टर्म्स में
Na से मल्टीप्लाई यानी कि 1 मोल इक्वल टू जो भी नंबर हो उतना से मल्टीप्लाई होगा या उतना से डिवाइड होगा। मास के टर्म्स में एक मोल का मास मोलर मास होता है, तो एक मोलर मास से मल्टीप्लाई या मोलर मास से डिवाइड। ये भी यदि कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो हम लोग एक हैंड्स रूल यहां पर बताते हैं। देखो ये मेरा मोल है, हैंड्स है, यहां पे हाथ रख दिया। मोल से दूर, यदि मोल दिया है दूर जा रहे हैं तो हाथ क्या हो रहा है, फैल रहा है, मतलब मल्टीप्लाई होगा। और कुछ भी दिया है मोल पूछ रहा है तो हाथ क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब डिवाइड होगा। ठीक है, इसी को डाउट फिर से देख लीजिए। यदि आपको मोल दिया हो क्वेश्चन में और मोल से दूर जा रहा है तो हाथ क्या हो रहा है, फैल रहा है। फैलना मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन। और कुछ भी दिया हो और आपसे मोल पूछ रहा हो तो मोल की तरफ आओ तो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब डिवाइड। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स करके बताएं आपको ये क्लास कैसा लगा। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।